आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सोहन कुमार है जी। मेरा घर गवई है जी। शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट। प्रखंड क्या है? प्रखंड गवई है। गवई ही है। तो आपको सोहन बाबू क्या समस्या है? समस्या ये कि सर मैं 4 साल पहले मतलब बिखरे आया था राइट साइड में, तो ऑपरेशन करवाया अहमदाबाद में। 4 साल पहले आपको क्या हुआ था? मैं ये तरफ बिकनेस आ गया था, ये राइट साइड बिकनेस जी, एक तरफ ही जी। ऑपरेशन कराए जी अहमदाबाद में। अहमदाबाद में फिर ऑपरेशन में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कौन सा अस्पताल कराए थे? अस्पताल याद है क्या? अस्पताल का नाम याद है लेकिन देखना पड़ेगा क्योंकि अच्छा 2 साल से नहीं गए। अच्छा अच्छा, तो बड़ा अस्पताल था न? जी बड़ा अस्पताल था। अच्छा, वहाँ के प्रसिद्ध अस्पताल से आप कराए थे जी। हाँ, तो ऑपरेशन कहाँ हुआ था आपका? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में आपके शरीर के किस भाग में? ये गर्दन जो है ना, देखिए यहाँ पे ये गर्दन पे हुआ। यहाँ पे दर्द आज तक गया ही नहीं है। और वहाँ दर्द होता था पहले से? पहले नहीं होता था। पहले दर्द वहाँ नहीं होता था? नहीं। पहले कहाँ होता था आपको? पहले दर्द कहीं नहीं होता था। तो सर ये हाथ था ना, ये फास्ट काम होता था। हाँ। इसमें थोड़ा मतलब ये जैसे ये है ना, इससे भी थोड़ा कम रहता था। अच्छा, ऑपरेशन के बाद ये और बढ़ गया है। ये पहले दर्द कम होता था और दर्द कहीं होता ही नहीं था। कहीं होता था थोड़ा, इस अंग में जो है दाहिने तरफ आपका कार्य था, वीकनेस था, सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, है ना? ये समस्या थी जी। लेकिन आपको डॉक्टर साहब कहे, क्या कहे होंगे? बोले कि ऑपरेशन करवा लीजिए, नहीं तो ये पूरा नस सूख जाएगा, आंख हो जाएगा, ये थी हो जाएगा, मतलब पूरा मतलब बर्बाद हो जाएगा। तो बर्बाद हो जाएगा, तो ऑपरेशन करा लीजिए। तो आपने उनके कहनानुसार ऑपरेशन करा लिया जी। ऑपरेशन करने के बाद आपको कितना दिन के बाद सुधार हुआ या नहीं सुधार हुआ? सर हमको 1% भी सुधार नहीं हुआ है। ऑपरेशन करने से कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं सर। और ये लगाना पड़ता है, ये आपको कंधे में गर्दन में लगाना पड़ता है जी, है ना? और पेट में कब्जियत बनाता है, लेटरिंग नहीं जल्दी होता, जब तक दवाई नहीं खाते लेटरिंग होता ही नहीं। अच्छा, और ये सर पूरा दर्द होते रहता है, ये दाहिने तरफ दर्द होते रहता है थोड़ा से, दोनों साथ एक हाथ दो, एक साथ दोनों मुट्ठी बांधिए तो, और जल्दी खोलिए तो, जल्दी जल्दी, ये देखिए कपता है इनका, है ना? और ये आप कहाँ काम कर रहे थे अभी? HDFC बैंक नवादा में। HDFC बैंक जी नवादा में। तो वहाँ के आपके कार्यकाल में इलाज के लिए भी छुट्टी नहीं दे रहे थे? नहीं सर। तो क्या करना पड़ा? रिजाइन मार के आना। रिजाइन मारना पड़ा अपने सेहत के लिए जी। तो चलिए आप पुनः काम करेंगे, ठीक हो जाएंगे सर, इसीलिए तो आए सर। अच्छा, तो ऐसे विद्या को क्या कहेंगे जो विद्या भारत में विकसित हो चुका है, मॉडर्न साइंस की, ऑपरेशन कर लीजिए, ऑपरेशन करने के बाद नहीं ठीक होते हैं, तो लोगों को आप क्या संदेश देंगे? लोगों को कहना चाहते हैं कि ऑपरेशन नहीं करवाइए, ऑपरेशन लास्ट स्टेज है। ऑपरेशन करने के बाद आदमी बहुत फंस जाता है, बहुत तकलीफ होता है, आँख में प्रॉब्लम आ गया, पेट में प्रॉब्लम आ गया, चलने फिरने प्रॉब्लम आ गया, कुछ कर नहीं सकते, अपने वजन उठा नहीं सकते हैं, ऐसे पहले सब कुछ करते थे। सोच लीजिए भारत सरकार के जिम्मेवार व्यक्ति, ये ऐसे ऐसे ऑपरेशन होते हैं और उसका जिंदगी और भी बेहतर से बेहतर नहीं हो पाता है, जिसके उम्मीद लेकर लोग जाते हैं अस्पताल और उनकी नौबत और बिगड़ती जाती है। खर्चा भी किए 5-6 लाख रुपया खर्चा भी हुआ और आपका सेहत में और बिगड़ गया जी सर, है ना? तो हम देशवासियों, आप लोग देख रहे हैं ना, ये इस प्रकार से अगर कंधा में फंस जाए, गर्दन फंस जाए, रीढ़ की हड्डी फंस जाए, कमर फंस जाए, कहीं भी नस दब जाए, तो निसंकोच आए बाबा भक्तुदास आयुर्वेदिक सेवा संस्थान में, ये बिना ऑपरेशन के काम होता है, बिना ऑपरेशन के काम होता है, और बहुत तो ज़्यादा 15 दिन लगता है ऐसे ऐसे केस में, और यूँ ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो ऑपरेशन हो जाता है उनके लिए हम क्या कह सकते हैं, कौन सा नस कहाँ कट गया, इसके लिए हम भी मजबूर हो जाते हैं। तो बिना ऑपरेशन के आए, जो भी दिक्कत हो हम ठीक करने में सक्षम हैं, आयुर्वेदिक तरीके से, पारंपरिक हाड़ विधि से, नेचुरल विधि से, जो भी विधि लगाना हो काम करते हैं।